सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और ये IBPS PO के एग्जाम में ऐसे पजल बन सकते हैं प्री के एग्जामिनेशन में, और हाँ देना बैंक में भी ऐसे पजल बन सकते हैं, क्योंकि देना बैंक का एग्जाम SBI PO मेंस की तरह नहीं होने वाला है। ये पहले मैं आपको क्लैरिफाई जो भी कर दूं, ठीक है ना, क्लियर कर दूं, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और फिर खुद से ट्राई करो। देखो थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट करो कि ठीक है ना। ये दैन मनीष है, ठीक है, ये दैन मनीष। तो पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद देखना पजल का सॉल्यूशन, ठीक है ना, तब जाकर आपको फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। अगर डायरेक्ट वीडियो देख लोगे तो फिर फायदा नहीं होने वाला। तो पहले वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद क्या करना है, कहीं अटकते हैं तो फिर क्या देखना है, पजल। इससे क्या होगा, पहले वीडियो देख लोगे ना तो फिर तो आपके माइंड से क्या होगा, समझ में तो आएगा, ऊपर चल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो कहां अटक रहे हैं, पूरा का पूरा जो डाटा है आपके माइंड में, जो थीम है पजल का, वो एक बार क्या माइंड में सेट हो जाएगा। और जब अब एग्जाम में करोगे ना तो फिर ऐसे पजल मिलते हैं तो फिर उतना टाइम नहीं लगेगा जो आप अभी टाइम लगाओगे। तो पहला काम क्या है, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो का सोल्यूशन देखना है। और ये ज्यादा हाई लेवल का नहीं है पजल, एवरेज लेवल बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो प्री के एग्जाम में ऐसे पजल बनेंगे। और ये IBPS PO का डे टू है, और डे टू का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पजल एक दिन ही मिलेगा, 100 पजल मिलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पजल। क्या बोला है, सेवन फ्रेंड हितेश, कन्हैया, चंदन, गौतम, प्रेम, सुबोध, मनीष आर ड्रिंकिंग डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक। और डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक मतलब क्या पी रहे हैं, 7 फ्रेंड है, उनके नाम दे दिए गए। और क्या बोल रहा है, एंड लाइक अ डिफरेंट गेम, और कुछ गेम्स क्या कर रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं, क्या क्या, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, रबी, पोलो, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है। और हाँ, पजल पहले आप पूरा पढ़ना, उसके बाद ही पजल को स्टार्ट करना, क्योंकि आधा पजल करके स्टार्ट करोगे ना फिर तो फंस जाओगे। और इस पजल को ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले भी बोल सकता हूं, हम लोग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है, द वन हु लाइक पोलो इज द ओल्डेस्ट एंड द वन हु लाइक हॉकी, जो पर्सन भी पोलो लाइक कर रहा ना, पोलो गेम्स, वो क्या है, सबसे बड़ा है। और जो पर्सन भी हॉकी लाइक कर रहा, वो क्या है, सबसे यंगेस्ट है, मतलब सबसे छोटा है, ठीक है। तो आपको पता है कि 7 फ्रेंड है, 7 फ्रेंड क्या कर रहे हैं, 7 टाइप के मतलब क्या, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, और 7 डिफरेंट गेम्स भी लाइक कर रहे हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ा है वो क्या लाइक कर रहा है गेम्स में, पोलो, और जो सबसे छोटा है वो क्या लाइक कर रहा है गेम्स में, हॉकी। तो एक डाटा तो क्लियर है ना कि 7 फ्रेंड है, ठीक है। और ये ऑर्डर रैंकिंग वाला है, बड़े से छोटे तक का, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जो सबसे बड़ा फ्रेंड है वो क्या लाइक कर रहा है, पोलो, लिख सकते हैं ना इस चीज को, तो हम लिख ही सकते हैं ना कि जो बड़ा वाला फ्रेंड है वो क्या लाइक कर रहा है, पोलो। और जो सबसे यंगेस्ट है वो क्या लाइक कर रहा है, जो सबसे छोटा है, क्या, HOC के लिख दिए, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। अब आपको ये डाटा दिया गया है, इस डाटा के हेल्प से आपको क्या करना है, ये पजल क्रैक करना है। कैसे, वो देखिए, द वन हु ड्रिंक माजा इज यंगर देन प्रेम बट नॉट द यंगेस्ट, जो पर्सन भी माजा ड्रिंक कर रहा है ना, वो प्रेम से क्या है, प्रेम से यंगर है, मतलब छोटा है, बट नॉट द यंगेस्ट, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना कि प्रेम बड़ा है, जो पर्सन भी माजा लाइक कर रहा है, ठीक है ना, और लेकिन सबसे छोटा नहीं है वो पर्सन जो माजा लाइक कर रहा है, ये क्लियर है ना। और हाँ, यंगर और ओल्डेस्ट का मतलब मैं बोल चुका हूं, आपको पता है, लेकिन फिर भी बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं। तो ओल्डेस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा, और यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा। अब सेकेंड पॉइंट, चंदन इज यंगर देन ओनली 2 फ्रेंड, चंदन जो है सिर्फ 2 फ्रेंड से क्या यंगर है, यंगर सबसे 2 फ्रेंड से क्या है, छोटा है, यंगर है, छोटा है, 2 फ्रेंड से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, बाकी सबसे बड़ा है प्रेम चंदन, लेकिन सिर्फ 2 फ्रेंड से ही छोटा है। तो यहां पर 3 नंबर पर क्या लिख सकते हैं, CHL लिख सकते हैं ना, चंदन 100% यहां पर है। अब क्या बोल रहा है 2 नंबर पॉइंट में, गौतम डज नॉट ड्रिंक फंटा, जो गौतम है वो क्या फांटा लाइक नहीं कर रहा है, क्रॉस कर दिए, ठीक है। द वन हु ड्रिंक फांटा इज ओल्डर देन सुबोध बट यंगर देन प्रेम, जो पर्सन भी फांटा क्या पी रहा है, वो ओल्डर है, वो बड़ा है, किससे, सुबोध से, बट यंगर देन प्रेम। अब देखो, ये हमारा सपोज कर लीजिए प्रेम है, ठीक है,
अब प्रेम क्या है, द वन हु ड्रिंक फांटा इज ओल्डर देन सुबोध बट यंगर देन प्रेम, मतलब जो पर्सन भी फांटा लाइक कर रहा है वो क्या यंगर है, मतलब प्रेम से छोटा है। तो बोल सकते हैं ना प्रेम बड़ा है जो पर्सन भी फांटा पी रहा है, लेकिन क्या है जो पर्सन भी फांटा पी रहा है वो ओल्डर है किससे, सुबोध से, लेकिन जो पर्सन भी फांटा पी रहा है वो बड़ा है SUBODH सुबोध से, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर पॉइंट, द वन हु ड्रिंक सेवन अप, जो पर्सन भी सेवन अप ड्रिंक कर रहा है वो इमीडिएटली ओल्डर देन द वन हु लाइक रब्बी, जो पर्सन भी सेवन अप पी रहा है ना वो इमीडिएटली ओल्डर, मतलब इमीडिएट बड़ा है किससे, जो पर्सन रब्बी लाइक कर रहा है। अगर सेवन अप यहां पर आता है तो जस्ट बड़ा है, तो इसके जस्ट बगल में कौन होगा, जस्ट बगल में जो पर्सन भी रब्बी खेलेगा, ठीक है। प्रेम इज इमीडिएटली यंगर देन द वन हु लाइक टेनिस, जो प्रेम है वो क्या है इमीडिएटली यंगर है, मतलब इमीडिएटली क्या है छोटा है प्रेम उस पर्सन से जो पर्सन टेनिस क्या लाइक कर रहा है। तो प्रेम यहां पर है, तो बोल सकते हैं ना कि प्रेम के जस्ट नीचे जो पर्सन भी लाइक कर रहा है वो टेनिस यहां पर होगा, प्रेम के प्रेम से जस्ट बड़ा है, प्रेम जस्ट यंगर है टेनिस वाले पर्सन से, ठीक है। बट ओल्डर देन द मनीष, लेकिन जो पर्सन टेनिस खेल रहा है वो क्या है ओल्डर है, मतलब मनीष से क्या है बड़ा है, मनीष से क्या है बड़ा है, मनीष से क्या है बड़ा है, मनीष से क्या बड़ा है, जो पर्सन भी टेनिस खेल रहा है वो मनीष से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, टेनिस जो खेल रहा है उसके इमीडिएट प्रेम है, मतलब क्या है प्रेम के इधर है, प्रेम के इधर मनीष आएगा, ठीक है ना। तो मनीष प्रेम का इधर आएगा, प्रेम के इधर मनीष आएगा, इस चीज को आप याद रखना। अब क्या बोल रहा है, कन्हैया इज ओल्डर देन द प्रेम बट नॉट द ओल्डेस्ट, जो कन्हैया है वो प्रेम से क्या है बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। मतलब प्रेम है तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना कि कन्हैया जो है के हमारा जो है प्रेम से बड़ा है, लेकिन के टेनिस भी खेल सकता है कुछ भी खेल सकता है, लेकिन प्रेम को इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रेम से बड़ा है कन्हैया, लेकिन सबसे बड़ा कन्हैया नहीं है, ठीक है। अब देखिए सुबोध इज यंगर देन मनीष, जो सुबोध है वो यंगर है, वो छोटा है किससे मनीष से, जो सुबोध है सुबोध इज यंगर देन मनीष, जो सुबोध है वो क्या है मनीष से छोटा है। तो सुबोध तो मनीष क्या होगा यहां पर होगा, मतलब लेकिन सुबोध फांटा लाइक कर रहा है ये पता नहीं है, लेकिन सुबोध जो मनीष है वो सुबोध से बड़ा है ये पता है हमको। अब क्या बोला है, एंड ही ड्रिंक्स अलाइज, सुबोध इज यंगर देन, सुबोध जो है वो मनीष से यंगर है छोटा है, लेकिन और वो क्या पी रहा है स्लाइस, तो स्लाइस लिख लिए, ठीक है ना। अब देखिए द वन हु लाइक टेनिस डज नॉट ड्रिंक पेप्सी, जो पर्सन भी टेनिस लाइक कर रहा है वो क्या पेप्सी नहीं पी रहा है, ठीक है। मनीष इज यंगर देन हितेश, जो मनीष है इज यंगर देन हितेश, मनीष इज यंगर देन हितेश बट नॉट यंगर देन गौतम, जो मनीष है वो क्या है मनीष इज यंगर, मनीष छोटा है किससे हितेश से, मनीष जो है छोटा है हितेश से बट नॉट यंगर देन गौतम, लेकिन गौतम से छोटा नहीं है, जो मनीष है वो हितेश से छोटा है लेकिन गौतम से छोटा नहीं है। तो मतलब क्या है, मतलब क्या कि मनीष से बड़ा कौन है गौतम, मनीष इज यंगर देन हितेश बट नॉट यंगर देन गौतम, लेकिन गौतम से यंगर नहीं है, मतलब क्या है नॉट यंगर का मतलब क्या हुआ, नॉट यंगर का मतलब हुआ कि जो मनीष है वो छोटा नहीं है गौतम से, मतलब क्या हुआ वो छोटा नहीं है गौतम से का मतलब क्या हुआ मनीष बड़ा है, मनीष जो है वो बड़ा है, तो मनीष के इधर कौन आएगा गौतम, और मनीष के इधर भी सुबोध है, और मनीष के इधर सुबोध है, मनीष के इधर गौतम है, ठीक है। अब देखो मनीष द वन हु लाइक टेनिस इज ओल्डर देन द वन हु ड्रिंक को, जो पर्सन भी टेनिस क्या लाइक कर रहा है वो ओल्डर है, वो क्या है बड़ा है, जो पर्सन भी ड्रिंक कर रहा है क्या कोक, तो इस चीज को याद रखना। द वन हु लाइक क्रिकेट इज यंगर देन द वन हु लाइक वॉलीबॉल, जो पर्सन भी क्रिकेट लाइक कर रहा है ना वो यंगर है, मतलब वो छोटा है जो पर्सन भी वॉलीबॉल लाइक कर रहा है, तो वॉलीबॉल ग्रेटर देन क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए गौतम डज नॉट लाइक क्रिकेट, गौतम क्या है क्रिकेट लाइक नहीं कर रहा है। दोज हू हैव लाइक वॉलीबॉल, जो पर्सन भी वॉलीबॉल क्या दोज हू हैव लाइक वॉलीबॉल सीट फोर टू द लेफ्ट, जो पर्सन भी वॉलीबॉल लाइक कर रहा है ना वो सीट कहां है फोर टू द लेफ्ट। तो देखो हमारा फोर टू द लेफ्ट, अब नॉर्थ कौन है साउथ कौन है कौन कैसे बैठा ये पता नहीं है, कौन बड़ा छोटा बोल रहा है, लेकिन एक आप देखो आप कहीं से भी बैठाओगे ना 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4,
मतलब चार नंबर पर ही आप किधर से भी, लेफ्ट कौन है राइट कौन है पता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं से भी बैठाएंगे तो चार नंबर पर ही कौन आएगा हमारा, क्या जो पर्सन भी वॉलीबॉल लाइक कर रहा है, ठीक है ना, चार नंबर पे। अब आपके पास इतने डाटा, इस डाटा से आपको क्या निकालना है, इस पजल को क्रैक करना है। तो अब देखो प्रेम से छोटा, प्रेम से जो छोटे हैं वो कितने जन है, एक तो मनीष है, एक सुबोध है, और एक मनीष, एक सुबोध और एक गौतम, मनीष सुबोध गौतम, मनीष सुबोध गौतम। अब देखो, अब आप बोलेंगे कि भैया मनीष को क्या करते हैं, प्रेम को यहां पुट करते हैं। हम बोलेंगे आप पुट कर दो, अगर प्रेम को यहां पुट करते हैं लेकिन प्रेम से बड़ा कौन है कन्हैया, तो प्रेम मेरा यहां पर आएगा नहीं, ठीक है। अब प्रेम को दो नंबर पे पुट करते हैं तो कन्हैया यहां आएगा, लेकिन कन्हैया सबसे बड़ा नहीं है, बोला है कन्हैया इज ओल्डर देन प्रेम, वो प्रेम से बड़ा है बट नॉट द ओल्डेस्ट, तो प्रेम मेरा यहां पर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब तीन नंबर पर अगर मैं प्रेम को पुट करता हूं, तीन नंबर पर तो प्रेम पुट होगा नहीं क्योंकि तीन नंबर पे कौन है, चंदन। अगर मैं प्रेम को चार नंबर पे पुट करता हूं तो बैठ सकते हैं, अगर पांच नंबर पे पुट करता हूं तो प्रेम नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि प्रेम से ऑलरेडी तीन जन छोटे हैं, कौन कौन, मनीष गौतम सुबोध, मतलब तीन जन तो चाहिए प्रेम की तरफ, तो प्रेम का एक ही जगह बचा, कौन सा, चार नंबर, तो ये क्या होगा, प्रेम, ठीक है। और प्रेम से बड़ा कौन है, प्रेम से बड़ा है कन्हैया, तो मतलब कन्हैया लेकिन सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, तो कन्हैया क्या होगा यहां पर होगा, ठीक है। और इधर मनीष आएगा, मनीष सुबोध गौतम, तो एक नंबर पर कौन बैठेगा, हितेश, ठीक है ना, एक नंबर पर कौन बैठेगा, हितेश। अब देखिए यहां पर पांच छह सात, और प्रेम के जस्ट इमीडिएट कौन था, जो पर्सन भी टेनिस लाइक कर रहा था, तो ये क्या है, क्या होगा, टेनिस, ठीक है ना, ये टेनिस हो गया, और ये पोलो, ये टेनिस, ये वॉलीबॉल, ये हॉकी, ठीक है। अब देखिए अब क्या आपके पास, अब आपके पास है गौतम सुबोध, अब क्या है, प्रेम, जो प्रेम से वो पर्सन बड़ा है जो पर्सन भी माजा लाइक कर रहा है, प्रेम है और ये माजा, लेकिन सबसे बड़ा छोटा माजा नहीं था कि, लेकिन माजा क्या आपको बोल दिया गया था, द वन हु ड्रिंक माजा इज यंगर देन प्रेम बट नॉट द यंगेस्ट, लेकिन जो पर्सन भी माजा लाइक कर रहा है वो सबसे यंगेस्ट नहीं है, सबसे यंगेस्ट नहीं है। और मनीष जो है वो सुबोध और गौतम दोनों से बड़ा है, सुबोध और गौतम दोनों से बड़ा है, तो यहां पर कौन होगा, 100% यहां मनीष होगा, यहां पर कौन होगा, मनीष। अब जगह क्या बच गया, अब जगह बच गया हमारा सुबोध या किसका, सुबोध या क्या, सुबोध या गौतम का, लेकिन देखिए सुबोध या गौतम, सुबोध या गौतम, सुबोध या गौतम, अब ये चीज आपको देखना है। देखो अब मनीष जो अब क्या, और आपके पास इधर में बचा क्या क्या है, कौन कौन सा कोल्ड ड्रिंक बचा है इधर में, कोल्ड ड्रिंक जो पसंद कर रहे हैं, एक तो फांटा, एक सुबोध जो स्लाइस तो पी ही रहा है, और एक प्रेम की इधर में कौन था, एक माजा भी है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक भी पता है जो इस इधर में है, प्रेम के इधर क्या क्या है, एक फांटा, एक माजा, एक स्लाइस, ठीक है। अब देखिए अब फांटा माजा स्लाइस कहां पर आएगा, फांटा यहां बैठ सकता है, देखो यहां पर एक आपको मनीष इज यंगर देन हितेश बट नॉट यंगर देन गौतम, द वन हु टेनिस इज नॉट पैंकी, द वन हु टेनिस सुबोध इज यंगर देन मनीष एंड ही ड्रिंक स्लाइस, सुबोध तो स्लाइस पी रहा है, सुबोध तो स्लाइस पी रहा है, इस चीज को मैं कंफर्म हूं, सुबोध स्लाइस पी रहा है। अगर सुबोध को यहां पुट करूं, सुबोध को अगर मैं यहां पुट करूं और यहां पर क्या लिख दूं, स्लाइस, सुबोध को यहां पुट करूं और यहां लिख दूं स्लाइस, तो यहां सुबोध बैठेगा नहीं, ठीक है ना, सुबोध यहां बैठेगा नहीं, लेकिन बैठ भी सकता है, सियोरिटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब आपको एक चीज और बोल दिया गया था, वो क्या, देखो द वन हु ड्रिंक माजा इज यंगर देन प्रेम बट नॉट द यंगेस्ट, द वन हु ड्रिंक माजा इज यंगर देन प्रेम बट नॉट द यंगेस्ट, और गौतम जो है, जो गौतम है वो फांटा नहीं पी रहा है, जो गौतम है वो फांटा नहीं पी रहा है, और हमारे पास इधर में क्या क्या है, गौतम और सुबोध, जब गौतम फांटा नहीं पी रहा है, सपोज कर लो गौतम फांटा नहीं पी रहा है, तो गौतम क्या पिएगा, या तो स्लाइस पिएगा, लेकिन गौतम फांटा नहीं पी सकता है ना ही स्लाइस पी सकता है, क्यों, क्योंकि स्लाइस हमारा कौन पी रहा है, सुबोध, तो गौतम एक ही चीज पी सकता है, वो क्या है, माजा, और माजा सबसे लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि बोल दिया गया है कि माजा सबसे यंगेस्ट नहीं है, तो माजा यहां पर बैठेगा, और गौतम फांटा और स्लाइस पी नहीं सकता, तो पिएगा क्या आपका यहां पर, तो यहां क्या होगा, यहां पर होगा आपका गौतम, जी ए यू गौतम, और यहां पर क्या होगा, यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, माजा, जो ये पर्सन जो भी लाइक करे वो क्या होगा आपका, होगा
माजा, ठीक है। तो ये सात नंबर पर कौन होगा, सात नंबर पर होगा आपका कौन, सुबोध। अब ये यहां पर होगा सुबोध, ठीक है। अब ये सुबोध हो गया, तो सुबोध क्या लाइक कर रहा है, स्लाइस। और इधर में क्या कहता है, माजा, स्लाइस और फांटा। तो ये क्या हो गया, फांटा हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक दो तीन, अब आपको इतना चीज मिल गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको करना क्या है कि गौतम डज नॉट लाइक क्रिकेट, जो गौतम है वो क्रिकेट लाइक नहीं कर रहा है, गौतम जो है वो क्रिकेट लाइक नहीं कर रहा है, गौतम जो है वो क्रिकेट लाइक नहीं कर रहा है, गौतम जो है वो क्रिकेट लाइक नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमारा क्या होगा, क्रिकेट तो आएगा नहीं। और वॉलीबॉल बड़ा है, वॉलीबॉल बड़ा है क्रिकेट से, वॉलीबॉल जो है वो बड़ा है क्रिकेट से, तो क्रिकेट तो इधर ही आएगा ना, और क्रिकेट यहां बैठ नहीं सकता, तो यहां कौन बैठेगा, क्रिकेट का जगह सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब बचा हमारा ये और ये और ये, ये और ये। अब देखो अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, टेनिस, पेप्सी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, माजा, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, देखो अब आपके पास क्या क्या था, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वन हु लाइक टेनिस इज ओल्डर, द वन हु लाइक टेनिस इज ओल्डर देन द वन हु ड्रिंक, जो पर्सन भी टेनिस लाइक कर रहा, द वन हु लाइक टेनिस इज ओल्डर, द वन हु इज ओल्डर देन, वो बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है, जो पर्सन भी टेनिस खेल रहा है ना, वो बड़ा है उस पर्सन से जो पर्सन कोक ड्रिंक कर रहा है। टेनिस हमारा यहां पर है, टेनिस हमारा यहां पर है, मतलब ये बड़ा है उस पर्सन से जो पर्सन कोक पी रहा है। तो यहां पर तो एक ही जगह बचा कोक के लिए, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा कोक, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। अब देखो ये पॉइंट हो गया आपका, द वन हु लाइक क्रिकेट, ये भी हो गया, गौतम, ये गौतम डज नॉट लाइक क्रिकेट, ठीक है आप इसे छोड़ो, ये भी हो गया। अब मनीष इज यंगर देन हितेश बट नॉट द यंगर देन गौतम, द वन हु लाइक टेनिस, जो पर्सन भी टेनिस ड्रिंक कर रहा है ना, टेनिस खेल रहा है, वो पेप्सी नहीं पी रहा है, जो पर्सन भी टेनिस खेल रहा है वो पेप्सी नहीं पी रहा है। लेकिन एक चीज था उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व, द वन हु ड्रिंक सेवन अप इज ओल्डर देन द वन हु लाइक रबी, जो पर्सन भी सेवन अप पी रहा है ना, वो इमीडिएटली बड़ा है, मतलब इमीडिएटली बड़ा उस पर्सन से, कौन पर्सन से, जो पर्सन रबी खेल रहा है, मतलब रबी के जस्ट इधर में कौन होना चाहिए, सेवन अप। तो देखो सेवन अप अगर यहां पुट करते हैं, तीन नंबर पे सेवन अप पुट करते हैं, अगर टेनिस को बोलते हैं कि आप सेवन अप पी लो, अगर सेवन अप पी लो तो यहां पर आना चाहिए क्या, रबी, तो सेवन अप यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहां पर कौन बैठा है, वॉलीबॉल, ठीक है। अगर सेवन अप को यहां पुट करता हूं, सेवन अप को अगर यहां पुट करता हूं, तो यहां क्या आना चाहिए था, रबी, लेकिन रबी यहां आ नहीं सकता क्यों, यहां टेनिस बैठा हुआ है। अगर सेवन अप का जगह एक ही बच गया ये, तो यहां क्या होगा, सेवन अप, तो यहां क्या होगा, रबी, ठीक है। तो यहां पर सिक्स नंबर पे क्या होगा, सिक्स नंबर पे आपका होगा क्या, फुटबॉल, सिक्स नंबर पर क्या होगा आपका, फुटबॉल, ठीक है। अब ये फुटबॉल हो गया, देखो तीन, अब ये आपका जो चंदन है वो क्या, जो पर्सन भी टेनिस खेल रहा है वो पेप्सी नहीं पी रहा है, तो पेप्सी कौन पिएगा, पेप्सी पिएगा आपका ये, और आपका कोल्ड ड्रिंक क्या बच गया, कोल्ड ड्रिंक बच गया आपका क्या, स्प्राइट, तो क्या होगा ये, स्प्राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, ठीक है ना, तो आप इसको देख लेना। और हाँ, ये आईबीपीएस पीओ डे टू था, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही पजल मिलेगा, बहुत अभी हाई लेवल का पजल मिलने वाले, एसबीआई पीओ मेंस पर जो जो पजल आया था सब मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए आप सभी का थैंक